ये आज सब लोग मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हैं? अरे मैं कोई पहली बार नहीं आया हूँ, मैं पहले भी आ चुका हूँ 8 बार, लेकिन इस बार बड़े मन चले अंदाज से आया हूँ। और आप सब, हाँ आप सब भारतीयों को अपना मजा चकाए बगैर नहीं जाऊंगा। तुम करने क्या वाले हो? अरे मैं कुछ लेने नहीं, देने आया हूँ। क्या देने आए हो? अरे मैं नागरिकता देने आया हूँ। नागरिकता किन लोगों को? नागरिकता मैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के लोग जो धार्मिक उत्पीड़न के कारण भारत के शरण में आ गए हैं। आप श्रीलंकन हिंदू, माफ कीजिएगा, आपके लिए हमारे देश में कोई जगह नहीं। आप पाकिस्तानी हिंदू, अरे ये कानून तो आपके लिए ही बना है, प्लीज पधारिए। आप पाकिस्तानी मुस्लिम, आपके लिए तो 50 से ज्यादा देश पड़े हैं, जाइए वहीं जाकर आराम फरमाइए। क्या कहा? धार्मिक उत्पीड़न के लिए, लेकिन कानून में तो ऐसा कहीं नहीं लिखा। कानून में तो गैर कानूनी घुसपैठियों का नाम लिखा है। सच बताओ तुम किस लिए आए हो? नाम शरणार्थियों का और काम घुसपैठियों के लिए कर रहे हो आप? चुप, बकवास बंद कर। अब मैं कानून की शक्ल ले चुका हूँ। ठहरो, मैं हूँ भारत का संविधान और मैं भी जिंदा हूँ। ACCA शक्ल लेने से कुछ नहीं होता है, जन्म लेना पड़ता है जन्म। और मेरा जन्म 26 नवंबर 1950 को हो चुका है। मुझे जन्म देने वाले पिताजी का नाम है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। सुने संविधान, मैं तेरी जानकारी के लिए बता दूं, मैं तेरे लिए आर्टिकल 11 के तहत आया हूँ। आर्टिकल 11 के तहत आए जरूर होगे, लेकिन जीत नहीं पाओगे, क्योंकि तुम धर्म के नाम पर देश को बांट रहे हो और ये मुझे कतई मंजूर नहीं है। बताओ मेरा आर्टिकल 14 क्या कहता है? आर्टिकल 14 रहने दो। मेरा आर्टिकल 14 कहता है कि मैं सबको समानता का अधिकार देता हूँ। 70 साल से जिस संविधान पर देश चल रहा है तुम उसका उल्लंघन कर रहे हो। मेरे देशवासी होने नहीं देंगे। ये क्या? मेरा इतना विरोध, अब मैं क्या करूं? आइडिया, चले नर्सी, अब तुझे मेरा काम करना होगा। मैं हूँ NRC, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन। मैं आसाम में धूम मचा चुका हूँ और अब मैं भारत में आने वाला हूँ और हर एक भारतीय नागरिक से अनेक सवाल करने वाला हूँ उनकी नागरिकता पर। उनको तो नागरिकता मिल चुकी है 1959 के एक्ट के तहत, तुम दोनों को नागरिकता पर सवाल पूछने वाले। बुरा मत, हमारे आदरणीय गृह मंत्री ने कहा है कि मैं पूरे भारत में आने वाला हूँ। सुनो संविधान, मुझे समझ लो। मेरा यहाँ किसी से कोई वास्ता नहीं। चलो कुछ सवालों के जवाब दे दो, जैसा कि आपके माता पिता कहाँ पैदा हुए, जन्म तारीख, आधार नंबर, पासपोर्ट नंबर, यहाँ सबसे पहले है, हर चीज के डॉक्यूमेंट भी लगेंगे। क्या तुम मर्जुम शुमारी हो? हाँ तो ऐसा ही समझ लो, ऐसे ही कुछ नहीं, ठीक से बताओ सेंसस हो या फिर कुछ और। अगर तुम जायदाना नहीं हो तो तुरंत निकल जाओ यहाँ से, क्योंकि हम कागज नहीं दिखाएंगे। क्योंकि मैं उन्हें कभी मंजूर नहीं था, मुझे हटाकर मेरी जगह मुझे समृद्ध किया जाए।
अधिकार है, संविधान है।